आपका स्वागत है गांगली टेक पर, और मैं संदीप गांगली। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको जावा JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आप जो है आप लोग गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च में जाके आपको जावा JRE लिखना है, एंटर दबाना है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा इसको आपको ओपन करना है, इस पर क्लिक करिएगा तो ये वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो आपका जो बिट वर्जन है उसके अकॉर्डिंग जो सेटअप को यहाँ से डाउनलोड करना है। तो मेरा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है, तो मैं जो है विंडोज X86 ऑफलाइन वाला जो आप सेटअप देख रहे हैं इसको मैं डाउनलोड करूंगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको ये पता कैसे करना है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका बिट वर्जन क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप टास्क बार जो है उस पर आप जाएंगे, ये फाइल एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पर जाइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे सिस्टम टाइप में यहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे में लिखा है। अगर आपका 64 बिट है तो आपका 64 यहाँ पे लिखा रहेगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ से सेटअप को जो है सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है तो आप विंडोज X64 ऑफलाइन वाला सेटअप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो 32 बिट का है तो आप विंडोज X86 ऑफलाइन वाला सेटअप सेलेक्ट करेंगे। और इसको सेलेक्ट करने से पहले क्या करना है, आपको जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उसमें आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो विंडोज X86 ऑफलाइन वाले सेटअप पर आइए, फिर आपको उसके आगे आके यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही जो है आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डाउनलोड होना शुरू हो गया इस तरीके से। क्योंकि मैं इसे डाउनलोड कर चुका तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा। अब मैं आपको आगे इसे कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आपने जिस फोल्डर के अंदर इंटरनेट से जावा JRE का सेटअप जो है डाउनलोड किया आपको उसके अंदर जाना है। सेटअप पर राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, और चाहे तो आप सेटअप पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, उससे आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जावा JRE का। फिर उसके बाद आपका ये जो है विंडो एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा, इसमें आपको इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको जो है आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये लिख के आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल जावा, फिर आपको क्लोज पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने जो सर्च होता है जो स्टार्ट मेन्यू में जो सर्च होता है उसमें जाना है, सर्च में आपको CMD लिखना है, फिर आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। उसके बाद उसमें जाके आपको जावा लिखना है, फिर आपको एंटर दबाना है। अगर जावा लिखने के बाद एंटर दबाने के बाद इस तरह का जो टेक्स्ट है जो कि आपको ग्रीन बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा ये अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि जावा JRE सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो चुका है।